हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 9th क्लास का चैप्टर सेल के आगे डिटेल्स रीड करेंगे, मीन्स पढ़ेंगे। तो देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या टॉपिक हम रीड करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेल किस किस से बनी हुई होती है एंड इसके क्या कितने पार्ट्स हैं। तो देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप इनका एक एक पार्ट्स रीड करते हैं कैसे क्या है। तो देखिए, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमने जैसे कि ए पॉइंट इंडिकेट करके दे रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और इसका वर्क होता है कि ये जो है, इसको जो सेल है उसको चारों तरफ से क्या रखती है बेटा, कवर रखती है। बी पॉइंट आपका दे रखा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है कि इट्स स्टोर जेनेटिक मटेरियल, मीन्स कि ये जो है हमारे जो करेक्टर्स जो होते हैं, जो हम अपने बड़ों से लेते हैं, सिस्टर्स से जो हमें पास होते हैं, वो सारे जो करेक्टर्स हैं वो इस न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं बेटा, स्टोर होते हैं। अब थर्ड वन दे रखा है साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म एक लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, कंडेंस लिक्विड होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्गनलीज होते हैं। सेल ऑर्गनलीज मीन्स इसके जो अदर पार्ट्स हैं सेल के, वो इसके अंदर होती हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें देखिए कौन कौन सी सेल ऑर्गनलीज होती हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिख रखा है, राइट कर रखा है कि फर्स्ट जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हमने ईआर बोला है। सेकंड गोल्जी अपरेटस बोला है। थर्ड लाइसोसोम है। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ प्लास्टिड। एंड सिक्स्थ वन क्या है बेटा, वैक्यूल्स। ये सब क्या होते हैं सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे। मैंने आपको ये बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया था कल, जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, और जो सेल्स है किसने एग्जामिन की है, कब की है, एक्सेट्रा। अब देखिए, हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो हैं यहाँ पर। देखिए इसमें ब्लड सेल भी इंडिकेट कर रखे है, स्मूथ मसल सेल्स भी हैं, नर्व सेल भी है, जो फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म एंड ओवम, ये सब हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं वो एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखी हैं। अब देखिए, हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके वर्क क्या होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम पॉइंट लेके चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हमने क्या बोला है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स कि ये इसका वर्क क्या होता है कि जो मटेरियल, ये एक मेम्ब्रेन है, मीन्स जैसे ओजोन लेयर अर्थ के चारों तरफ कवरिंग किए हुए है, वैसे ही ये सेल के चारों तरफ क्या किए हुए बेटा, कवर किए हुए हैं। और ये क्या करती है, जो सिलेक्टेड जो मटेरियल्स जो होते हैं सेल के लिए, उन्हीं को ही पास एंड आउट क्या करती है, जो सिलेक्टेड होते हैं उनको इन करती है, एंड जो वेस्ट होते हैं उनको आउट करती है। तो मीन्स जो इस सेल के थ्रू होकर ही वो सारे मटेरियल जाते हैं। अब इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफ्यूजन एंड सेकंड वन ऑस्मोसिस। अब देखिए, डिफ्यूजन में की अगर मैं बात करूँ तो डिफ्यूजन तो क्या हो रहा है बेटा, गैसेज में हो रहा है। एंड अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूँ तो वो किस में हो रहा है बेटा, पानी में, मीन्स इन वाटर। अगर हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए बेटा, मॉलिक्यूल सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी मेम्ब्रेन, कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज डाइल्यूट एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या होते हैं, सपोज दैट हमने एक बाउल ली और उसमें हमने शुगर डाली, और मैंने उसके अंदर एक बाउल नहीं, हम एक ग्लास लेते हैं, हाँ ग्लास में हमने क्या एक चम्मच शुगर डाली, पूरा ग्लास जो है पानी से भरा हुआ है, और मैंने उसके अंदर क्या डाली बेटा, एक चम्मच शुगर को मैंने मिक्स किया
फिर मैंने एक दूसरा ग्लास लिया, दूसरे ग्लास में मैंने क्या किया, 2 चम्मच शुगर के ऐड किए और उसको डिजोल्व किया। तो अगर हम दोनों, अगर दोनों ग्लासेस की बात करें तो ए जो है, मतलब जो फर्स्ट ग्लासेस जिसमें हमने 1 चम्मच शुगर ऐड की है वो ज़्यादा डाइल्यूट है, मीन्स उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है बजाय किसके बेटा, सेकंड ग्लास के, क्योंकि उसमें हमने 2 चम्मच ऐड की है। तो इसमें डाइल्यूट कौन सा हुआ बेटा, डाइल्यूट फर्स्ट वाला हुआ ग्लास है, क्योंकि हमने उसके अंदर 1 चम्मच ऐड की है, और 1 चम्मच ऐड की है तो शुगर की क्वांटिटी कम है और जो वाटर की क्वांटिटी क्या है बेटा, ज़्यादा। लेकिन अगर मैं बी वन ग्लास की बात करूँ तो उसमें हमने 2 चम्मच ऐड किए हैं शुगर के, तो 2 चम्मच क्या है, ज़्यादा है। तो मीन्स उसमें पानी की क्या है, जो क्वांटिटी है वो ग्लास ए की बजाय क्या है बेटा, कम। तो मोर कंसंट्रेटेड कौन सा हो गया बेटा, बी ग्लास, और डाइल्यूट कौन सा हो गया बेटा, ए। तो अगर हम डाइल्यूट की बात करूँ तो डाइल्यूट में क्या होता है, मोर वाटर होता है बेटा। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसमें क्या होता है बेटा, लेस वाटर। डाइल्यूट इसलिए कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, अदर जो मॉलिक्यूल्स हम डिजोल्व करते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम, और पानी की क्वांटिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा। और कंसंट्रेटेड की बात करूँ तो कंसंट्रेटेड में हम अदर जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा डिजोल्व करते हैं और पानी की क्वांटिटी क्या होती जाती है बेटा, कम। इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक को डाइल्यूट बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। अब देखिए इसमें डायग्राम में अगर हम मैं बात करूँ तो डायग्राम में देखिए, एक हमने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रखा और एक हमने लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रखा। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ओके, अगर मैं इस ओस्मोसिस प्रोसेस की बात करूं तो ओस्मोसिस देखिए, ओस्मोसिस में क्या हो रहा है कि जो दो सेल दे रखी हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नीचे, दो सेल दे रखे जिसके बीच में क्या है बेटा, एक मेम्ब्रेन है जिसको हमने क्या बोला है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू होकर जो है, जो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, मीन्स ये सिलेक्टेड जो मटेरियल है उन्हीं को क्या करने दे रही है बेटा, मूव करने दे रही है। तो ओके, अब देखिए थोड़ा हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे ओस्मोसिस की। तो डेफिनेशन देखिए, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर मटेरियल मेम्ब्रेन से पास हो रहे हैं, जो भी मटेरियल सेल में मूव कर रहे हैं। तो हमने डिफरेंस देखा कि डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है और ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन किस में हो रहा है बेटा, गैसेस में, और ओस्मोसिस किस में हो रहा है बेटा, वाटर में। और अगर मैं इसकी मेम्ब्रेन की बात करूँ तो डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या होती है बेटा, एक मेम्ब्रेन होती है जो जो मटेरियल को सिलेक्ट करके ही क्या कर रही है बेटा, उनको मूव करने दे रही है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए ये मैंने फिर से इंडिकेट किया है कि कौन कौन से, व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड व्हाट इज़ ओस्मोसिस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं बेटा 3 टाइप्स के, एक तो हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक आइसोटोनिक। अब वन बाय वन हम रीड करेंगे कि व्हाट इज़ हाइपोटोनिक, व्हाट इज़ आइसोटोनिक एंड व्हाट इज़ हाइपरटोनिक। तो देखिए अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूँ तो हाइपरटोनिक में देखिए, हाइपो मीन्स क्या होता है बेटा, कम, मीन्स अगर हम कम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं तो वो हम सेल को ले रहे हैं उसमें। तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर रही हूँ और फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
देखिए, इफ मीडियम विच सराउंड द सेल मोर वाटर देन सेल, मीन्स जिस मीडियम में हमने एक सेल को रखा है, मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें क्या है बेटा, मोर वाटर, बजाय किसके बेटा, सेल के, मीन्स जो बाहर का जो है मीडियम, वो क्या है बेटा, उसमें पानी की क्वांटिटी क्या है बेटा, ज़्यादा, बजाय किसके, सेल के। तो देखिए, इट्स नॉन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस सेल में अब क्या प्रोसेस होगी, देखते हैं बेटा, इन दिस सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड सेल स्वेल अप। ये क्या होगा, इसके अंदर जो सेल है वो क्या करेगी, वाटर को गेन करेगी, क्योंकि वाटर की कमी है सेल के अंदर, और जो भार जिस मीडियम में हमने रखा है उसको, उसमें क्या है बेटा, जो क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा। और अगर हम सेल की बात करें तो सेल में क्वांटिटी क्या है, कम, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, वो मीडियम से कहाँ, किस साइड मूव करेंगे, सेल के साइड, सेल की साइड मूव करेंगे, और फिर देखिए सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, मीन्स अगर क्वांटिटी उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो वो सेल क्या हो जाएगी बेटा, स्वेल अप। ओके, इसको हमने बोला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट रीड करने जा रहे हैं, व्हाट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स क्या होता है बेटा, सेम मीन्स कि जो जिस मीडियम में हमने उसको सेल को रखा है, वो क्या है बेटा, जितनी क्वांटिटी सेल में है उतनी क्वांटिटी जिस मीडियम में हमने रखा है, दोनों में वाटर की क्वांटिटी क्या है बेटा, सेम। तो देखिए, इफ़ मीडियम हैव सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मीन्स अगर हम सेल की बात करें और मीडियम की बात करें तो दोनों में क्या है बेटा, जो वाटर की क्वांटिटी क्या है, सेम। तो इस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, देयर विल बी नॉट एनी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव एंड सेल रिमेन सेम साइज, कि इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे और सेल क्या रहेगी बेटा, सेम साइज की, जैसे कि मैंने डायग्राम में बता रखा है। अब देखिए, अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाइपर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, तो ज़्यादा और कम और सेम हम ये सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम मीडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, हाइपर मीन्स कि जो सेल है, सेल में वाटर की क्वांटिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा, और मीडियम में वाटर की क्वांटिटी क्या होगी बेटा, कम। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं, इफ़ मीडियम हैव लेस वाटर कंसंट्रेशन देन सेल नॉन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि अगर मीडियम में वाटर की क्वांटिटी क्या है बेटा, कम, किसकी बजाय बेटा, सेल की बजाय, तो उसको हमने क्या बोला है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि हमने देखा कि सेल में जो क्वांटिटी है वाटर की वो ज़्यादा, और मीडियम में क्या है बेटा, कम, तो दैट्स मीन्स जो वाटर है वो सेल से बाहर के जो मीडियम है उसमें मूव करेगा। तो देखिए, इसमें देखते हैं क्या होता है, इन दिस सेल लॉस वाटर एंड बिकम श्रिंक, कि जो सेल है वो वाटर क्या हो जाएगा बेटा, लॉस कर देगी, मीन्स क्या होगा, ओके बेटा, अब हम देखेंगे डायग्राम्स। अगर मैं बात करूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इसमें जो मैंने फर्स्ट डायग्राम जो दे रखा है, उसमें देखिए जो मीडियम है उसकी जो कंसंट्रेशन वो है क्या है बेटा, लो है, और अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल की जो कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ज़्यादा। तो अगर हम देखेंगे तो सेल क्या हो जाती है बेटा, श्रिंक, क्योंकि इसमें वाटर जो है क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन सेल में क्या होती है, ज़्यादा, और मीडियम में क्या होती है बेटा, कम। तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा बेटा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। अब आगे हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, व्हाट इज सेल वॉल।
तो देखिए बेटा, सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, लेकिन ये किस में प्रेजेंट होती है? ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए, इट इज़ अ रिज्ड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल की। क्या होती है, जो प्लांट्स जो सेल होती है उसके चारों तरफ एक रफ और एक कठोर कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। कि ये किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज मटेरियल की बनी हुई होती है। और वो जो सेलुलोज आपको पता है ओनली प्लांट्स में ही होता है, और वो उसको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, मीन्स उसको रफ एंड टफ बनाता है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो देखिए ओस्मोसिस की अगर हम बात करें तो वो कैसे इसको प्रोटेक्ट करते हैं सेल वॉल। अगर हम इन ओस्मोसिस सेल श्रिंकेज अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखिए अगर हम मैंने ये डायग्राम में इंडिकेट कर रखा है कि सेल वॉल क्या होती है और सेल क्या होती है, तो मीन्स जो सेल होती है वो जब श्रिंक होती है तो वो सेल वॉल से क्या हो जाती है? हट जाती है। ठीक है, जब वाटर लॉस वैन वाटर लॉस, दिस इज नोन प्लाज्मोलाइसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। कि जब सेल वॉल क्या होती है? श्रिंक होती है, और वो जब सेल वॉल से क्या होती है बेटा? डिटैच हो जाती है, मीन्स हट जाती है, उसको हम उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? प्लाज्मोलाइसिस। अब देखिए इसका अनदर पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग मीन्स जब वो स्वेलअप होती है तब उसको क्या करती है बेटा? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मीन्स उसको लचीला बनाती है, जिसके कारण जो सेल है वो क्या नहीं होती है बेटा? ब्रस्ट नहीं होती है। वेन सेल स्वेलअप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए हम ओवरऑल अगर बात करें तो सेल वॉल क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है सेल फ्रॉम एनी डैमेज। की जो सेल वॉल है वो जो सेल होती है उनको क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है, और एक जो कंफर्म जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको क्या करती है बेटा? सेल को प्रोवाइड करती है और उसको हार्ड बनाती है, जिससे वो क्या होती है? रफ एंड टफ कंडीशंस में क्या होती है? इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट होती रहती है। आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, थैंक यू।